हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किसान रजिस्ट्रेशन संख्या कैसे निकालेंगे विदाउट ओटीपी का। काफ़ी लोगों का समस्या होता है कि उनका नंबर हेरा चुका होता है या गुम हो चुका होता है या उनके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है। उस पीरियड में आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में सारा ट्रिक्स के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से विदाउट ओटीपी का आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई हुआ बेल आइकन को और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। अगर आप क्रोम ब्राउजर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप मोजिला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने यहाँ पे गूगल में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डीबीटी एंड सर्च कर लेंगे। सबसे डीबीटी सर्च करते ही सबसे टॉप में आ जाएगा वेबसाइट का लिंक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने का फ्रेंड्स, यहाँ पे होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यह पोर्टल आपको इस तरह से ओपन होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करते ही इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे विवरण संशोधन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण जाने पर भी क्लिक करके आप जान सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, जो कि आपको ओटीपी मांगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पंजीकरण जाने यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, तभी आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। तो आपको नंबर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पता कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे विवरण संशोधन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे विवरण संशोधन जो कि किसान पंजीकरण, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसका फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आईरिस के माध्यम से आप निकालना चाहते हैं तो आईरिस के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डेमोग्राफी एंड बायो ऑर्थो जो कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मार्को या मात्रा यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप करेंगे। एंड यहाँ पे आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। एंड यहाँ पे कैप्चा, स्टार्ट कैप्चा पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम एंड आधार नंबर टाइप कर दिया है, एंड यहाँ पे स्टार्ट कैप्चा पे क्लिक करेंगे। आपके फिंगरप्रिंट आपको लगाना होगा, जो कि आपको मार्को में लाइट आएगा और यहाँ पे आपको फिंगर लगाएंगे। जैसे ही फिंगर लगाएंगे आपको सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा सक्सेसफुल हो चुका है। एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा, जो कि थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे सर्वर डाउन है, फिर से ट्राई करेंगे। तो जैसे कि मैंने फिर से ट्राई किया है एंड यहाँ पे आपको मैं फिंगरप्रिंट फिर से लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से फिंगरप्रिंट लगा दिया है एंड यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है। एंड ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा इस तरह से। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मोबाइल नंबर एंड और भी सुधार करना चाहते हैं नाम विलेज में, तो यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं। बैंक का खाता में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे पता करना है कि विदाउट ओटीपी का किसान नंबर संख्या कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका किसान क्योंकि आपका किसान रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं या फादर्स नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपना बैंक के पासबुक खाता संख्या चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना खाता संख्या भी चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक च्वाइस करेंगे एंड अकाउंट नंबर टाइप करेंगे एंड आईपी कोड टाइप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट भी चेंज हो जाएगा, जो कि केवाईसी करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में एनपीसीआई लिंक है जिस बैंक में, वो बैंक पे आपको पैसा डायरेक्टली चला जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आई बेल आइकन को और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।